स्टूडेंट्स माई सेल्फ नितिन सिंह रामचंद्र क्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डी एड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से यह सेवन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत अर्थात टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेपर में जिसका सब्जेक्ट कोड यह सेवन है, इसमें यूनिट थर्ड ज्यामिति के अवयव, इस यूनिट में हम ज्यामिति के अवयव आज की क्लास में बिंदु, रेखा और किरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है। खैर, हम पहली बात देखते हैं ज्यामिति के अवयव में बिंदु क्यों, बिंदु क्या है इसके बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं या समझते हैं, एक ऐसी आकृति बिंदु के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसी आकृति वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, अर्थात ऐसे वृत्त बनाया जाए, ऐसा सर्कल बनाया जाए कि जिसका त्रिज्या शून्य हो, का ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई व मोटाई न हो। इट मीन्स ऐसी कोई आकृति दिखाना संभव ही नहीं है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ना हो। क्यों पॉसिबल है ऐसा वृत्त बनाना जिसका त्रिज्या जीरो हो, या ऐसी आकृति बनाना जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है ही न, क्या यह सत्य है? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इमेजिन कर सकते हैं, तुलनात्मक रूप से उसे मानते हैं यह बिंदु है। आप मान लीजिए किसी बारीकी पेंसिल लीजिए, आप एक बारीक निकुली पेंसिल लीजिए, उससे अपने नोट्स पर रखिए, इससे बनने वाली आकृति बिंदु प्रस्तुत करता है, बिंदु का विचार प्रस्तुत करता है। इट मीन्स कोई भी निकुला पार्टिकल, चाहे पेंसिल हो या पेन हो, उसे हम किसी भी नोटबुक फ्रंट पेज पर पुट करते हैं, वह किसकी आकृति है, बिंदु का। हम ये पुराना कंसेप्ट नहीं देंगे, बच्चों को बताएंगे कि ऐसी सर्कल, एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न के बराबर हो, या एक ऐसा सर्कल ड्रा करें जिसकी त्रिज्या रेडियस जीरो हो, ऐसा हम नहीं बताएंगे। हम बच्चों को ये बताने का प्रयास करेंगे, एक बारीक निकुली पेंसिल लीजिए, उससे अपने नोट्स पर रखिए, और बनने वाली आकृति बिंदु पर प्रस्तुत करेगा, इस पर अब विचार कीजिए। कई प्रकार बिंदु को इस प्रकार से हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। बिंदु के बारे में और सारी अवधारणाएँ हैं। आमतौर पर कक्षा में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक बोर्ड पर स्केल की मदद से एक रेखा खींच दे, रेखा किरण की बात कर रहे हैं, और जिसके दाहिने सिरे पर एक तीर का निशान लगा दें, और बाएं सिरे पर दाएं सिरे से बी अंकित कर दें। इस प्रकार के आकृत को बच्चे से पूछें, इस आकृत को क्या कह सकते हैं, जैसे एज लाइक ए, इस प्रकार फिगर बनाएंगे। हमने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या ड्रा किया, ब्लैक बोर्ड पे हमने एक सर्कल ड्रा किया, एक एरो का निशान ड्रा किया, ऐसे एज लाइक ए स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिनेट पॉइंट ए, और ये लास्ट एंडिंग पॉइंट जो एरो बना हुआ है बी ना। अब इसे आप क्या प्रेजेंट करेंगे, बच्चों से ये पूछने का प्रयास करेंगे, बच्चे विचार देंगे। इसे आप समझाएंगे क्या कि रेखा में, लाइंस में एक स्टार्टिंग बिंदु होता है, एक स्टार्टिंग बिंदु होता है, उस बिंदु से जिस साइड एरो लगा हो उस साइड वो रेखा प्रोग्रेस करेगी, और इसका लाइन हम प्रेजेंट करेंगे ए बी, और ए बी लाइन के ऊपर एरो साइन, ठीक हुआ। या ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं दो बिंदुओं को मिलाने से, अभी हम लोग बिंदु के बारे में डिस्कशन किया जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो, अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने से हमें जो आकृति रेखाखंड मिलता है उसे भी हम किरण कह सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा एक होनी चाहिए, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। इस प्रकार से एक फिगर भी देंगे, और किरण के बारे में बच्चों से सवाल भी पूछेंगे कि क्या आप किरण से परिचित हुए, किरणों के रेस के बारे में आइडिया हुआ, ये भी प्रश्न पूछेंगे
कि जो किरण रे हम लोग ड्रा कर रहे हैं वो दाईं से बाईं या बाईं से दाईं क्यों खींची जाती है, एक ही डायरेक्शन में क्यों खींचते हैं। और फिर पूछेंगे किरण के ऊपर एरो का साइन क्यों लगाते हैं। इन सब बातों को बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे और हम इसको बड़े रूप में भी देख सकते हैं कि क्या इसको हम दोनों साइड एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रे को ये ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड क्या हम इसको बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, इस बिंदु को भी हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इस किरण के बारे में, रेस के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इस फिगर से, ये देखिए ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है, आरंभ बिंदु और लास्ट में इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है छोटा बच्चा ना, ये मूविंग डायरेक्शन। अब मूविंग डायरेक्शन से आप देख रहे हैं जिस दिशा में बच्चा अग्रसर हो रहा है ये एरो की साइन बना हुआ कि नहीं बना हुआ। इस एरो साइन में स्टार्टिंग पॉइंट को, प्रारंभिक बिंदु को हम ए मान लें और जिस डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है उसको बी मान लें, तो ये कौन सी डायरेक्शन किरण हो जाएगी, ए बी डायरेक्शन की हो जाएगी, ऊपर बार लाइन। और यदि इसी का क्रम चेंज कर दिया जाए जैसे इस प्रकार, हमने कहा कि इसको डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ओरिजिन पॉइंट को हमने बी मान लिया और जिस डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है उसको ए मान लिया। अब पॉइंट नेम चेंज हो गए हैं तो आपको किरण कैसे बनेंगे, यहाँ पे किरण हम ए बी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे। इट मीन्स कि किरण हो जाएगी बी ए ऊपर लाइन बार लाइन, किरण की लाइन। ठीक, आइडिया हुआ। इस प्रकार से हम किरण के कॉन्सेप्ट को बच्चों में समझाने का प्रयास करते हैं और बच्चों से खुद इस प्रकार की गतिविधियां भी कराएंगे, वो किरण के बारे में कम्प्लीटली समझ अंडरस्टैंडिंग उनमें आ जाए और वो खेल के माध्यम से सहज भाव में गतिविधि करते हुए इसके प्रत्यय को समझ सके। नेक्स्ट, एक लाइन और ड्रा किया गया है, एक किरण और ड्रा किया गया है जिसमें ये दिया गया क ख के रूप में पॉइंट दिया गया कि क्या जो किरण ड्रा किया गया ए क ख के रूप में किरण दिया गया, एरो पॉइंट लगाया गया उसके बीच को लाइन को में बीच में एक पॉइंट दे दिया गया ख के रूप में और लास्ट में ये मूविंग पॉइंट है। अब जो बीच का पॉइंट है क ख है, इसे हम क्या बोलेंगे, किसी भी लाइंस में किसी भी किरण का जो मध्य पॉइंट जिसको हम कट कर लेते हैं उसे हम रेखाखंड बोलते हैं, लाइन नहीं बोलेंगे, रेखा नहीं बोलेंगे, रेखा किसी भी रेखा का किरण का एक खंड है, पार्ट है, वो रेखाखंड हो जाएगा। इस प्रत्यय को भी समझेंगे कि हम एक ही किरण से अनेक रेखाखंड ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट से अनेक लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक बिंदु से हम इनफाइनाइट दिशा में इनफाइनाइट लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन से हम असंख्य रेखाखंड भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं ये रेखा के बारे में। ये डिफिनेशन दिया गया कि एक ही आरंभ बिंदु से विपरीत दिशाओं में बढ़े या बिना रुके हुए इस प्रकार चित्र को भी कह सकते हैं, मतलब दोनों साइड रेखाखंड में आप किसी भी लाइन रे से कट कर सकते थे। किरण में क्या कंसेप्ट था, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरो का साइन लगा हुआ है। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं है, रेखा में क्या है, हम उसको दोनों साइड उसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और कितना, इच्छा अनुसार। क्यों, इसको दोनों डायरेक्शन में आरंभ बिंदु से विपरीत दिशाओं में चाहे आगे बढ़ें चाहे पीछे बढ़ें हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं चित्र के अनुसार, जैसा कि ये दिखाया गया है फिगर्स में। इसको हम रेखा के प्रत्यय में समझते हैं, रेखा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा रेखाखंड में किरण से, किरण में केवल एरो रहेगा एक साइड, लेकिन यदि इस रेखा को ए बी नाम दिया गया तो इस रेखा का नाम ए बी हो जाएगा। इस रेखा के ऊपर जो हम लाइन ड्रा करेंगे उस पर हम एरो साइन दोनों साइड लगा देंगे। ये देख रहे हैं, फिर सिंबल सही बनाते हैं, समझते हैं।
किरण में हम लोग क्या करते थे, जैसे ए बी कोई लाइन था उसके ऊपर केवल एक एरो की साइन, जिस उस लाइन से किरण जिस डायरेक्शन में जा रही थी। रेखाखंड में, रेखा में हम लोगों ने क्या किया कि रेखा को हमने दोनों साइड एक्सपेंड कर दिया, दोनों साइड बढ़ा दिया। इट मीन्स कि दोनों साइड बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो हम इसको जो लाइन ड्रा करेंगे, जो सिंबल बनाएंगे, संकेत के रूप में जो प्रेजेंट करेंगे, उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे ए बी, और उस पर सिंबल जो ए बी लाइन के ऊपर रेखा ड्रा करेंगे, एरो का साइन लगाएंगे लास्ट पॉइंट पे, और दोनों डायरेक्शन में इंक्रीजिंग माने आगे और डाउनवर्ड पीछे की दिशा में भी, विपरीत दिशा में और आगे की दिशा में भी एरो का साइन रहेगा। ये डिफरेंस आपको किरण और रेखा में मिलता रहेगा। ठीक, आइडिया आया। एक कंसेप्ट और है, रेखा में न कोई प्रारंभ बिंदु होता है और न कोई अंत बिंदु होता है। कैसे? क्योंकि रेखा को हम दोनों साइड में एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ पे हमने रेखा से बनाया, अब हमने रेखा को इस साइड में एक्सपेंड किया और इसके विपरीत दिशा में एक्सपेंड कर दिया। अब बताइए, इतना बड़ा रेखाखंड हुआ, क्या इसका ओरिजिन पॉइंट पता लगा? यहाँ से भी ट्रा किया जा सकता था, लास्ट कॉर्नर से भी ट्रा किया जा सकता था। इट्स मीन, इसका मतलब हुआ कि रेखा में न कोई प्रारंभ बिंदु होता है और न ही कोई अंत बिंदु होता है। इस प्रकार से रेखा अनंत बिंदुओं का समूह होता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक रेखाखंड में असंख्य पॉइंट्स आप ड्रा कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आइडिया आया। किन्हीं दो समतल रेखाओं के बीच को हम संबंध देखते हैं कि दो रेखाएं हैं, इनमें हम कैसे को रिलेशन लगाएंगे, कैसे सहसंबंध स्थापित करेंगे। जैसे समझते हैं, अच्छा तल समझते हैं, किसी एक तल का मतलब एक सरफेस का मतलब जैसे हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं, 3D फिगर का आइडिया लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ना पढ़ते हैं, ऐसा फिगर बना होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th या 10th में। अब हम एक्स वाई और जेड एक्सिस का जब कंसेप्ट देखते हैं तो हम पाते क्या हैं कि ये जो प्लेन है, इसमें जब हम 2D फिगर बनाते हैं जिसमें केवल दो डायरेक्शन हो, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं या आयत रेक्टेंगल बनाते हैं, देखते हैं इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई भी होती है क्या? नहीं ना। मोटाई कब मिलेगी? जब घन घनाफ क्यूबॉइड की बात आएगी, मतलब 3D फिगर की बात आएगी। अब वही प्लेन, वही सरफेस की बात कर रहे हैं, समतल की बात कर रहे हैं जिसमें केवल दो डायरेक्शन हो, जैसे एक लंबा हो और चौड़ा हो, इसमें हाइट की बात ना हो, हाइट क्या हो? जीरो हो। किसी भी एक प्लेन से लेंगे, किसी एक सरफेस से लेंगे, ठीक, मतलब किसी भी सरफेस से जब दो रेखाएं ड्रा की जाएं, जैसा कि आप नोट्स में ऐसा ड्रा कर सकते हैं, ए बी रेखा लाइन और सी डी रेखा लाइन जी, जैसे ये हमने ए बी एक ड्रा कर दिया और ये सी डी ड्रा कर दिया, ठीक। इन दोनों रेखाओं को आप आगे की दिशा में बढ़ाए, जैसे सी डी लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से बढ़ेगी, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, और ए वी लाइन को जब बढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ रे आपको मिलेगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, एज्यूमिंग करेंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती नहीं करती हैं। हाँ, ये रेखा जो हम लोगों ने एक्सपेंड किया, ये देखिए, इसको पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, मीट कर गया, मिल गया, एक दूसरे को काट दिया। इसका मतलब कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं या जब प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदन का मतलब एक दूसरे से मीट कर गए, मिल गए, क्रॉस कर गए, तो उससे उस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये बात आप नोट करेंगे, इस बात को शॉर्ट स्क्रीन भी कर लेंगे, हम सर्कल कर दे रहे हैं, इस बात को आप नोट करिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या हैं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं तभी ड्रा कर सकते हैं जब किसी भी प्लेन में, किसी एक प्लेन में, किसी भी सरफेस पे आप, या अपने नोट्स में भी आप दो लाइन ड्रा करेंगे चाहे जिस डायरेक्शन में। ए जैसा कि हमने बताया, ए और एक लाइन ए भी ड्रा किया और दूसरा लाइन सी डी ड्रा किया। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किया, रचना किया कि ए बी लाइन को हम उसके अपोजिट और अपवर्ड दोनों आगे की दिशा में और पीछे की दिशा में बढ़ाया। उस वही प्रक्रिया बी सी लाइन सी डी लाइन के साथ भी किया, आगे की दिशा और विपरीत की दिशा में बढ़ाया। जहाँ पे दोनों लाइट लाइन मीट किया एट पॉइंट ए, जिसको हमने ओ मान लिया, ओ पॉइंट को जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इस प्रकार की रेखाएं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं करते हैं। अगर वे एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे के समतल पे नहीं होती, यानी सभी स्थानों पर समान अंतर है, तो एस जिनके कारण दोनों आपस में कभी नहीं मिलते, उन्हें हम समतल रेखाएं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं जैसे एक ही समतल में हों और सभी जगह एक ही डिफरेंस हो, ये जब दो रेखाएं ऐसा ड्रा किया जाए एक ही प्लेन में हो और ऑलवेज उनके बीच का डिफरेंस जैसे डी हमने बना दिया, डी ही बना हो, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, इस प्रकार की रेखाएं को हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन में बनी हुई वो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अनंत तक बढ़ा दिया जाए अपोजिट डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो कभी मीट नहीं करेंगी, इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, जैसा हम डी मान रहे हैं, ये ऑलवेज सेम होगी, किसी भी प्लेस पे मेजर करेंगे तो ये डी ही आएगी। ठीक, आइडिया हुआ। बस आज के लिए इतना ही। ये देखिए फिगर बना हुआ है, इससे आप थोड़ा समझ लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करती हैं, तिर्यक रेखाएं जो दो प्लेन सरफेस को क्रॉस परपेंडिकुलर करा रही हैं और ये एक दूसरे पे 90 डिग्री मीट कर रही हैं, इस प्रकार की रेखाओं को लंबवत रेखाएं, इस प्रकार की रेखाओं को तिर्यक रेखाएं, और ये समांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में रेखाखंड के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। हाँ, आज आप लोग के लिए से एक सूचना भी है, आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को वॉच करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, अन्य मित्रों तक भी पहुँचाइए, और कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।